एक बाप ने मरने से पहले अपने बेटे को वसीयत की कि बेटा, मेरे मरने के बाद मुझे फटे पुराने मोजे पहना देना। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कब्र में इसी तरह उतारा जाए। बाप बीमार था, कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद बेटे को उसकी वसीयत याद आई। बेटा आलमेदीन के पास गया और वसीयत का इजहार किया। आलमेदीन ने कहा, दीन इस्लाम में मैयत को सिर्फ कफन पहनाने की इजाजत है, उसके अलावा कुछ नहीं पहनाया जा सकता। लड़के ने आलमेदीन से काफी इसरार किया तो तमाम आलमेदीन एक जगह जमा हुए कि कोई नतीजा निकल सके, पर नतीजा कुछ ना निकला और तकरार बढ़ती चली गई। अभी तकरार जारी ही थी कि एक शख्स ने उस लड़के को एक खत दिया और कहा कि तुम्हारे वालिद ने यह खत मुझे दिया था और कहा था मेरे मरने के बाद यह खत मेरे बेटे को दे देना। बेटे ने खत पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था, देख रहे हो बेटा, मेरे पास कितना मालो दौलत, गाड़ी, बंगला, सोना, चांदी सब कुछ होने के बावजूद मुझे इस बात की भी इजाजत नहीं कि मैं दुनिया से एक फटा हुआ मोजा भी ले जा सकूं। बेटा, एक दिन तुम्हें भी मौत आएगी, तुम आगाह हो जाओ, तुम भी सिर्फ और सिर्फ एक कफन में ही जाओगे। लिहाजा कोशिश करना, जो मालो दौलत मैंने विरासत में छोड़ा है उससे नेक राह में खर्च करना, बेसहारों की मदद करना, क्योंकि जो चीज तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी वो सिर्फ तुम्हारे आमाल होंगे, उसके अलावा तुम दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकते। ऐ इंसान, तू दुनिया में खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, ले जाएगा तो सिर्फ अपने अच्छे और बुरे अमाल। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह, हमें नेक अमाल करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमा, आमीन। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हाफिज साउंड एंड वीडियो प्रोडक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें।